कनाडा ने भारत के आदेश के बाद अपने 62 में से 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर जारी तनाव के बीच ये फैसला लिया गया। भारत सरकार के आदेश को जस्टिन ट्रूडो सरकार ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बताया। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जॉली ने ये बताया कि उनकी सरकार ने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही कनाडा ने चंडीगढ़, मुंबई और कर्नाटक में अपने कॉन्सुलेट सर्विसेज पर भी रोक लगा दी है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कनाडा जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। कनाडा के इस कदम के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ये कहा कि नई दिल्ली और ओटावा में पारस्परिक राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग करते हुए भारत में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया गया है। मेलोनी जोली ने ऐलान किया कि उनके राजनयिक नई दिल्ली से अल्टीमेटम के कारण कनाडा लौट रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो शुक्रवार से आगे तक देश में रहे तो उनकी राजनयिक छूट छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले को और ना बिगड़ने के लिए कनाडा ने फैसला किया है कि वो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। भारत सब कुछ वियना समझौते के अनुरूप कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा की कूटनीतिक मौजूदगी पर कहा, कनाडा हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता रहेगा जो हर देश पर लागू होता है। हम भारत के साथ भी रिश्ते बनाए रखेंगे। इस वक्त हमारे लिए ये सबसे जरूरी है कि हमारे डिप्लोमेट्स एक दूसरे के देश में मौजूद रहें और हम हर स्तर पर बात कर सके। इससे पहले कनाडा के ब्रॉडकास्ट मीडिया सीटीवी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कनाडा ने भारत से अपने ज्यादातर डिप्लोमेट्स को सिंगापुर या मलेशिया भेज दिया है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कनाडा से उनके डिप्लोमेट्स हटाने के लिए कहा गया है ताकि दोनों देशों में बराबर डिप्लोमेट्स हों। भारत में मौजूद कनाडा के एक्स्ट्रा डिप्लोमेट्स हमारे आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। खालिस्तानी विवाद के बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 3 अक्टूबर को कहा था कि वो भारत के साथ तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को फिलहाल बेहद चुनौतीपूर्ण बताया था। ओटावा में मीडिया से बात करते हुए ट्रूडो ने कहा था, कनाडा के लिए ये जरूरी है कि हमारे डिप्लोमेट्स भारत में मौजूद रहें। हम लगातार ऐसे कदम उठाते रहेंगे जिससे मुश्किल समय में भी भारत के साथ बेहतर रिश्ते बना सकें। आपको ये भी बता दें कि कनाडा ने भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के बाद नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है। कनाडा ने नई ट्रैवल एडवाइजरी में भारत में रहने वाले अपने नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। इस यात्रा सलाह में कहा गया है कि भारत में कनाडा के नागरिकों को डराया धमकाया जा सकता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।